सुपौल में ट्रक के कंटेनर से पुलिस ने लाखों रुपए की शराब बरामद की है। ये ट्रक असम से आ रहा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि इसमें शराब की तस्करी की जा रही है। पुलिस ने जब ट्रक को रोका तो शराब कहाँ छिपाई गई है ये पता करने के लिए उन्हें 2 घंटे लग गए। इसके बाद पुलिस ने गैस कटर से कंटेनर को काटा और अंदर देखा तो पुलिस के होश उड़ गए। कंटेनर के अंदर तहखाने में 675 कार्टन शराब रखी हुई थी जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। मामला रविवार देर रात का है। कंटेनर के अंदर एक तहखाना बनाकर ये शराब छिपाई गई थी। बॉक्स लोहे की मोटी चादर का बना हुआ था। इस कारण ट्रक में शराब कहाँ है ये कंफर्म करने में पुलिस को 2 घंटे लग गए। वहीं ट्रक को निर्मली थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर NH-57 पर हरियाणी गांव के पास पकड़ा था। निर्मली थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर NH-57 पर हरियाणी गांव के पास पकड़ा है। वहीं शराब माफियों के नए कारनामे को देखने के लिए NH पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। दरअसल ट्रक पर लदे बॉक्स पर एयर फिल्टर लिखा था जिसके अंदर शराब की सैकड़ों कार्टन छिपाई गई थी। यह बॉक्स ट्रक के साइज में मोटे परत वाले चद्दर से बनाई गई थी। वहीं उस बॉक्स को काटने के लिए पहले इलेक्ट्रिक कटर मंगवाया गया। लगभग 2 घंटे बाद जब कटर से सफलता नहीं मिली तो गैस कटर मंगवाना पड़ा। बॉक्स काटने के बाद उसमें शराब की बोतलें भरे कार्टन मिले जिसकी गिनती शुरू की गई। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।